Hi friends, I'm back. I'm Pinku and this is my stand-up attempt. So, welcome to the Pinku show. So, आज I want to talk about my friend. ठीक है? तो guys, ये मेरी मैंने एक शायरी सुनी आज और वो शायरी सुनते ही ना मुझे अपनी एक फ्रेंड की याद आ गई. दोस्तों मेरी ना फ्रेंड को शायरी का बहुत शौक था. एक्चुअली मैं वो बहुत ही बुरी शायरी करती थी लेकिन फिर भी मेरी उससे दोस्ती रही क्योंकि दोस्त जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, या तो वो तुम्हारी बुरी आदतें बर्दाश्त कर लेते हैं या फिर वो बुरी आदतें तुम्हें उन्हीं की वजह से लगी होती. तो मेरे दोस्त को इतनी बुरी शायरी का शौक था, पता नहीं क्यों, मतलब लेकिन उसको इतना ज्यादा शौक था, इतना ज्यादा शौक था कि वो ना हर बात को राइम करती थी लेकिन बेचारी ना बेचारी हमेशा गलत राइम कर देती थी. यही प्रॉब्लम थी उसकी. तो क्या हुआ कि जब वो छोटी थी तो एक बार उसकी मम्मी यानी कि आंटी ने कहा कि बेटा दूध पी लो. तो उसने ना बड़े स्वैग से बोला, मम्मी आई एम नॉट इन मूड सो नहीं पीऊंगी दूध. ऑब्वियसली उसको लगा कि उसने बहुत अच्छा राइम किया लेकिन तभी उसकी मम्मी ने एक करारा चमाटा लगाया उसको और फिर कुछ नहीं, हर मूड बिकेम गुड. या आई नो, इसलिए फ्रेंडशिप करी है मैंने उससे. ऐसे ही जब वो स्कूल में थी तो उसका एक लड़के पे क्रश था. एक बार एग्जाम में उसने उस लड़के को चिट पास करी और उस चिट पर लिखा था, मुझे करा दो थोड़ा सा चीट और बन जाओ मेरे मन के मीत. और वो लड़का थोड़ा उसके जैसा ही था, उसने वापस उसको वही चिट पास करी और उस पर लिखा था, अबे मैं क्या तुझे कराऊंगा चीट, मेरी खुद की शीट में लिखे हैं गीत. आई नो वो लड़का मैं नहीं था, ठीक है, हाँ कोई और था. एनीवेज उसका क्रश तो क्रश ही हो गया और फाइनली उसके नंबर भी खैर कुछ क्रश ही थे. लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उसने सोचा कि यार जिम जाती हूँ और एकदम हॉट बनूंगी, पतली होकर मैं एकदम स्मार्ट लगूंगी, तब सब लोग मेरे पीछे भागेंगे. लेकिन वही ना, उसकी शायरी की आदत तो वो छूटी नहीं थी उसकी. तो फिर गई वो जिम, वहां ट्रेनर ने उसको बोला कि मैम आप 20 मिनट ट्रेडमिल करो और उसके बाद मेरे पास आ जाना, एक्सरसाइज मैं बताऊंगा आपको. वो 1 घंटा ट्रेडमिल ही करती रही. उसके बाद ट्रेनर उसके पास गया, उसने पूछा कि मैंने आपको बोला था कि 20 मिनट बाद ट्रेडमिल से उतर जाना, आप 1 घंटे से यही कर रही हो. तो वो बोली, कैसे उतरूं ट्रेडमिल पर ही लगता है मेरा दिल. तो बस ये ट्रेडमिल पे जो दिल उसका लगा, उसके बाद उस ट्रेनर ने उसके दिल को ही देखने शुरू कर दिया. और फिर कुछ नहीं, उस ट्रेनर को हैरेसमेंट केस की वजह से नौकरी से निकाल दिया था. या वो यार वो इतनी क्रेजी थी राइम्स को लेके, इतनी क्रेजी थी कि वो हमेशा टिंडे और ककड़ी खाती थी और मुझे कहती थी कि खाती हूँ टिंडे क्योंकि सरनेम है शिंदे. एंड आई वाज लाइक, चल ठीक है टिंडे तेरे सरनेम से मैच होता है लेकिन ये ककड़ी का क्या सीन है. तो बोली कि आई एम अ लड़की तो आई ईट ककड़ी. आई वॉज लाइक, पहले तो ये लड़की से नहीं लकड़ी से राइम होता है, बट चल एनी वेज. तो ये बता कि अगर तू तो लड़का होती तो तू क्या खाती. तो बोली कि अगर मैं लड़का होती तो मैं मसाले खाती. आई वॉज लाइक वॉट, इसका क्या मतलब है. तो बोली, MDH का तड़का, अंग अंग फड़का, एंड आई एम अ लड़का. एंड यस, वो दिन हमारी दोस्ती टूटने का दिन हो सकता था लेकिन यू नो आई एम अ गुड फ्रेंड. उसके बाद पैंडेमिक में उसने एक डेटिंग साइट पे अकाउंट बनाया. आई नो राइट, स्टूपिड है ना, डेटिंग साइट पे अकाउंट बनाने के बाद जीवन साथी में अकाउंट बनाना चाहिए था क्योंकि वैसे भी पैंडेमिक के बाद हमें किसी को नहीं पता कि हम लोग जिंदा बच पाएंगे कि नहीं. एनीवेज, तो लड़के ने उसको पूछा, वाना गो फॉर वाइन. एंड उस पर उसने आंसर दिया, कोरोना है तो नहीं पीऊंगी वाइन बट विटामिन सी चलेगा मुझको इफ इट्स वाइन. एंड ऑब्वियसली लड़का डिडंट वॉन्ट टू वेस्ट हिज टाइम, सो या उसी समय उसी सेकेंड हैंड मैच हो गया. बट फाइनली चलो उसने अभी सोचा कि यार चलो मुझे शादी के बारे में सोचना चाहिए. मैंने समझाया उसको कि देख तेरी ऐसे बात तो बनेगी नहीं, तू थोड़ा सा अपनी शायरी पे कंट्रोल कर और थोड़ा कम शायरी मारा कर. तो वो एक लड़के से मिलने गई शादी के लिए लेकिन भाई आदत तो उसकी छूटी नहीं थी, शी कुडंट हेल्प इट यार.
तो लड़का इतना डिसेंट था कि उसने बोला उसको कि यार मुझे ना दहेज नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मुझे एक भी चीज नहीं चाहिए दहेज में, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूं। और उसके बाद इमेजिन करो कि उसने क्या बोला होगा। उसने कहा दहेज ना सही बट लाऊंगे बेड के गद्दे, उसमें मनाएंगे हम शादी का हैप्पी बर्थडे। या इट नीड्स अ मोमेंट ऑफ साइलेंस। आप लोग सोच रहे होंगे कि आगे क्या हुआ, तो जो आप सोच रहे हैं वही हुआ है। एंड ज्यादा मत सोचिए कि वो क्या करेगी, बिकॉज आई नो कि वो सिंगल ही मरेगी। आप लोग तब तक कुछ करना चाहते हो तो कर लीजिए, जैसे कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको मेरा स्टैंड अप पसंद आया है तो प्लीज एक बारी लाइक जरूर हिट कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।